हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटीएम वॉलेट नॉट शोइंग बैलेंस। तो यहाँ पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, वहीं से हम स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ एक ऑप्शन है ऐप का, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करके पेटीएम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टोरेज यूसेज का, तो उस पर क्लिक करेंगे। स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर डेटा का। क्लियर डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऐप डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड फाइल सेटिंग डेटाबेस एंड अदर ऐप डेटा। तो ओके और कैंसिल का आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके ऐप का डेटा क्लियर होएगा। इससे आपका जो पेटीएम का एप्लीकेशन है वो बिल्कुल न्यू और फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पहली सेटिंग जहाँ पे आपको अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है। उसके बाद आपको बैक जाना है मेन मेनू में। मेन मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नेटवर्क का, उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको अपने सिम कार्ड का स्लॉट सिलेक्ट करना है, सिम वन या सिम टू। ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा प्रीफर नेटवर्क टाइप, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4G सबसे हाईएस्ट नेटवर्क है, तो आपको भी 4G पे ही सिलेक्ट करके रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उनके मोबाइल में 2G या 3G सिलेक्ट कर देते हैं, या ऑटोमेटिकली 2G या 3G सिलेक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत स्लो नेटवर्क आपको मिलता है और इसीलिए आपको कभी कभी बैलेंस शो नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क की सेटिंग चेक करना है और अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है। और लास्ट यहाँ पे आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। ये तीन सेटिंग को फॉलो करने के बाद आप जब वापस से दोबारा ट्राई करेंगे अपना बैलेंस चेक करने के लिए पेटीएम वॉलेट का, तो आपको बैलेंस आपका शो करेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है, सेकेंड नंबर पे आपको अपने नेटवर्क की सेटिंग करना है, 4G पे सिलेक्ट करके रखना है, और लास्ट यहाँ पे आपको अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये सेटिंग को फॉलो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।